नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्राई। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी की वजह से जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पत्नी आलिया ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। वहीं सिर्फ नवाज ही नहीं, उनके भाई मिनाजुद्दीन भी जबरदस्त चर्चा में आ गए जब उनकी भतीजी ने उन पर जॉन शोषण का आरोप लगाया था। अब हाल ही में नवाजुद्दीन ने इस मामले पर सवाल किया गया। उन्होंने अपने भाई पर लगे आरोपों पर पहली बार चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे जाहिर है कि वो खुद इन हालातों को समझ नहीं पा रहे हैं। नवाजुद्दीन के भाई के खिलाफ भतीजी ने दिल्ली के जामिया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मामला उस वक्त का है जब वह 9 साल की थी। उन्होंने कहा था कि तब मैं बच्ची थी, मुझे कोई समझ नहीं थी। मेरे साथ हिंसा भी हुई, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो एहसास हुआ कि मेरे अंकल ने मेरे साथ गलत किया है। उनका हर टच गलत था। भतीजी का आरोप ये भी है कि नवाजुद्दीन को उनके भाई नवाजुद्दीन का भी सपोर्ट मिल रहा है। इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स ने नवाजुद्दीन से संपर्क किया तो उन्होंने पहली बार उस पर बात की है। इस रिपोर्ट की माने तो जब नवाज से इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब देने के मूड में नहीं दिखे। उन्होंने कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। नवाज के भाई ने तो इस मामले पर सफाई दे दी है, लेकिन खुद नवाज मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। मिनाजुद्दीन ने बीते दिनों अपनी सफाई में कहा था कि इस झूठी खबर को मीडिया में फैलाने वाले व्यक्ति के इरादों का साफ पता चलता है, सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। वहीं स्पोर्ट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाजुद्दीन की भतीजी ने उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भतीजी ने स्पोर्ट बॉय से बातचीत में कहा कि बड़े पापा नवाज ने मुझे उस दिन कॉल किया था जिस दिन मैंने FIR फाइल की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने उनसे पूछा, मैंने आपको अपने हालातों के बारे में हमेशा बताया, लेकिन आपने कभी मेरी मदद नहीं की। वहीं अब ऐसे हालातों में नवाजुद्दीन के भाई से जुड़ा ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।